स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू योर ओन चैनल दैट इज एनईटी क्लासेस, वेयर यू आर लर्निंग योर फिजिक्स इन अ इजीियर एंड अ बेटर वे। एंड इन दिस सीरीज वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 12, एंड दैट इज नोन एज ईएमआई, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो बिफोर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आई जस्ट वॉन्ट टू से यू कि प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल के साथ, प्लीज आप इसे लाइक करिए और जितना हो सके शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, उन बच्चों तक पहुंचाइए जो कि ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। और साथ में आप सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के साथ एक छोटा सा बेल का आइकन है, प्लीज आप उसे प्रेस करिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी जरूर करिएगा और सब्सक्राइब के साथ एक छोटा सा बेल का आइकन है, आप उसे प्रेस करिए। तो इसके अंदर चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो हमारा पार्ट है, दैट इज नोन एज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने आज पढ़ना है। और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, फैराडेज लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके आज की पॉइंट्स हैं। और साथ में अगर नेक्स्ट देखें, दैट इज नोन एज योर फैराडेज लॉ, ठीक है, और उसके आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। तो बच्चा, अगर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सबसे पहले अगर आपको चैप्टर के नेम के बारे में ही नहीं पता कि हमने इसके अंदर पढ़ना क्या है, तो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं उस चीज को। तो सबसे पहले आपको नेम के बारे में पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब हो गया इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेट, एंड इंडक्शन मीन्स ड्यू टू सम इफेक्ट, ड्यू टू द अदर्स इफेक्ट, कुछ चीज को हमने क्या करवाना है, प्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि करंट के इफेक्ट से हमने मैग्नेटिक इफेक्ट को, फील्ड को क्या करवाना है, इंड्यूस करवाना है, जनरेट करवाना है, एंड देन दैट इज नोन एज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सुना होगा आपने क्लास 10th में कि हमने मैग्नेट की हेल्प से क्या करवाया, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाया। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना कि आप इसको अपोजिट कर सके, ठीक है, मैग्नेट से करंट बना था, क्या अब आपका करंट से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो सकता है, ठीक है, वो होगा। और अब हम यहां से दिखाएंगे, इस चीज को प्रूव किया था हमारे फैराडेज साहब ने, ठीक है, फैराडेज वाज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। तो उन्होंने इस चीज के बारे में बताया था, तो उनके नाम से लॉ पड़ा था, दैट इज अ फैराडेज लॉ। लेकिन सबसे पहले हम बात करें तो हम फैराडेज एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज नोन एज योर फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडेज एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट बेटा होता क्या है। फैराडेज एक्सपेरिमेंट में फैराडेज ने क्या बोला था, फैराडे ने, कि अगर हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करवा सकते हैं, तो क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट को इंड्यूस करवा सकते हैं। वो तो आपने 10th पढ़ ही लिया कि मैग्नेट से हमने क्या किया था, करंट को इंड्यूस करवाया था। लेकिन अगर हम यहां बात कर रहे हैं करंट से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करवाने की, तो वो हमें बात किसने बताई थी, फैराडे ने बताई थी। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए थे अपने, लेकिन उनमें से 3 एक्सपेरिमेंट्स जो आज जाने जाते हैं, ठीक है, वो क्या है हमारे, अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला हमारा एक्सपेरिमेंट है क्या, दैट इज नोन एज योर फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, अब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, 3 एक्सपेरिमेंट उनके हमारे पास जो फेमस थे, अब मैं उसके बारे में बताऊंगी। पहले एक्सपेरिमेंट में फैराडे के क्या बताया गया था, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक रिंग दी, ठीक है, कॉपर रिंग दी थी, सॉफ्ट आयरन कोर की, हम यहाँ पे एक रिंग बना रहे हैं, दिस इज अ रिंग, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर की एक रिंग है हमारे पास इस तरह की, ओके, इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि कंडक्टर है, तो कंडक्टर की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगी, अभी मैं बताती हूँ। अब उन्होंने क्या करा, इसके दोनों एंड पर एक एक वायर को क्या करवा दिया, वॉन्ड करवा दिया। और ये जो कॉपर की वायर थे, दैट इज अ सॉफ्ट आयरन कोर, और सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लिया, बिकॉज सॉफ्ट आयरन कोर के पास प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, उसमें कोई भी लॉस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ओके। अब उन्होंने क्या करा, इसके दोनों एंड पर क्या कर दिया, दोनों एंड पर आपके वायर को वाउंड कर दिया। तो देखिए ये आपको दिख भी रहा होगा, ये हमने क्या कर दिया, वायर को वाउंड कर दिया, ये ठीक है, इस एंड पे भी हम क्या करते हैं, वायर को वाउंड कर देते हैं। अब
वायर को वाउंड करने पर, ठीक है, एक तरफ तो उन्होंने किस चीज से अटैच कर दिया उसको, सेल से, एक तरफ से सेल से और एक स्विच से कर दिया कनेक्ट, और दूसरी तरफ से उन्होंने किससे कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जब उन्होंने इसके स्विच को ऑन किया, यहां से स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, ये वोल्टेज प्रोवाइड करता है, जैसे ही स्विच को ऑन किया इसके अगर उसके होने लग गई मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसा तो नहीं ना कि वो सिर्फ इतने पार्ट के अंदर लिंक होगी, नहीं, वो क्या है, इस पूरे सर्कुलर कॉपर वायर के साथ लिंक है, तो ये पूरे के पूरे सर्कुलर कॉपर वायर के साथ ही जाएगी, ठीक है। तो इसने क्या करा, उस पूरे के पूरे कॉपर वायर के साथ क्या किया, लिंक करा, और जैसे ही वो उसके साथ लिंक करेगा वैसे ही क्या होगा, वैसे ही आपके पास उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस गैल्वेनोमीटर तक भी जाएगी, इस फाउंडेड वायर के पास भी जाएगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उन्होंने क्या देखा, होना तो चाहिए था करंट को यूज, लेकिन गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफेक्ट शो करी नहीं एक बार स्विच को ऑन करने पर, ठीक है, ओपन कर, मतलब क्लोज कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, कहा कि ये तो हुआ पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो उन्होंने अपना अलग मेथड निकाला, और उस मेथड में उन्होंने क्या किया, उस स्विच को ऑन ऑफ करके देखा, ठीक है, उन्होंने एक बार ऑन किया ऑफ किया, तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर जो है वो अपना क्या शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है जैसे वो ऑन ऑफ कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बार ऑन ऑफ किया इसके स्विच को, तो स्विच को ऑन ऑफ करने के बाद उन्होंने वो क्या देखते हैं कि मैजिक हो गया, ठीक है, और मैजिक का मतलब क्या हुआ कि वो जो गैल्वेनोमीटर है जो अब तक कोई भी करंट मतलब रिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था, वो क्या शो करने लग जाएगा, इट विल शो द डिफ्लेक्शन इन साइड द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में क्या शो करने लग जाएगा, करंट शो करने लग जाएगा। अब यहां से उन्होंने क्या देखा कि पहले क्या हुआ, स्विच ऑन हुआ, स्विच ऑन किया होने की वजह से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, और मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने की वजह से क्या हुआ, इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ, इंड्यूस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आईसी, आई स्टैंड फॉर इंड्यूस करंट, ठीक है, और उस इंड्यूस करंट की वजह से हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या करने लग गया, रिफ्लेक्शन शो कर दिया उसने, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था फैराडेस का, कि फील्ड लाइंस जो है कॉइल के साथ लिंक हुई, उसके बाद करंट इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस होने के बाद क्या हो गया, एंड में आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या शो कर देगा बेटा, दैट विल शो योर इंड्यूस्ड करंट एंड डिफ्लेक्शन विल शोस शोन, ठीक है। अब देखिए, अब करंट अगर चेंज होता है तो फ्लक्स भी चेंज होता है, फ्लक्स जो है मैं आपको फैराडेस लॉ के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी, ठीक है, या फिर अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके पास phi is equal to B into A formula होता है, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होता है तो आपका फ्लक्स भी क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। अब उसने जब सबसे पहले अपने उसको स्विच ऑन किया था, तो स्विच ऑन करने के बाद क्या हुआ था बेटा, स्विच ऑन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉन्स्टेंट वैल्यू थी उसकी, ठीक है, लेकिन जैसे उन्होंने ऑन ऑफ किया स्विच को, ऑन करते ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती, ऑफ करते ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती, कम हो जाती, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था वो क्या करता, वेरी करता, चेंज करता, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, वेरी करेगा, तो आपका जो फ्लक्स है वो भी क्या करेगा, चेंज होगा। ये आपने फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में पढ़ रखा है, लेकिन वहां पर बी की जगह ई था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। आई होप आपको यहां तक समझ आया हो। अब उसने क्या बताया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या लिया, दो मैग्नेट्स ली, ठीक है, कुछ इस तरह की, ये एक मैग्नेट थी और ये दूसरी मैग्नेट थी, वी शेप में उन्होंने रखी, और इसके बीच में क्या रखा बेटा, एक सोर्स रख दिया, क्या रख दिया, एक सोर्स, ये था नॉर्थ, ये था साउथ, ये था अगेन नॉर्थ, ये था साउथ, ठीक है। उस मैग्नेट को इस तरह से रखा कि उसके बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो बहुत ज्यादा था, और वो किससे लिंक कर रहा था, इस सोर्स से लिंक कर रहा था, किससे लिंक कर रहा था बेटा, उस सोर्स से, और जैसे ही वो उस सोर्स से लिंक करेगा वैसे ही क्या होगा, जैसे ही वो उस सोर्स से लिंक करेगा वैसे क्या होगा, उस सोर्स से लिंक करने के बाद हमने क्या करा, उस सोर्स को चलो अभी लिंक के साथ छोड़ देते हैं, इसको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया एक वायर से, ध्यान से देखिएगा इस तरह से हमने इसको बाउंड कर दिया, ठीक है, और बाउंड करने के बाद हमने किससे कनेक्ट कर दिया, इसको गैल्वेनोमीटर से, यहाँ गैल्वेनोमीटर से अटैच है। अब क्या हुआ, इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुई,
ठीक है, और जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो वो किससे लिंक करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेगा सोर्स से, और ये जो सोर्स है उसके साथ क्या अटैच है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई, चेंज हुई, ठीक है, वेरी करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होगा, फ्लक्स भी वेरी करेगा, और अगर फ्लक्स वेरी करेगा तो आपका करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंड्यूस। मेरे हमारे पास काम क्या था कि हमने इंडक्शन करवानी थी करंट की, ठीक है। थर्ड केस में देखिए आपका, थर्ड केस में क्या बताया हमने, थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने, थर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने एक कॉइल ले ली, ये आपकी कॉइल थी, कॉपर कॉइल ले लीजिए इस तरह की, ठीक है, और उसको किससे कनेक्ट कर दिया बेटा, उसको कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से, अगेन गैल्वेनोमीटर से, और साथ में हमने एक मैग्नेट ले ली, नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेट। अब मैग्नेट की वजह से हमने क्या करवाया, करंट को इंड्यूस करवाना है, अब वो कैसे करवाएंगे, आपको पता है कि मैग्नेट की वजह से क्या होगा, इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, लिंक करेगी, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ इतने पार्ट में करेगी, वो क्या करेगी, पूरे के पूरे कॉइल के साथ क्या करेगी, लिंक करेगी। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक करेगी, वैसे ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लिंक होने की वजह से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आप इसको अंदर मान लीजिए नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल के पास लेके आ रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, दूर लेकर जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम हो गई, ये देखिए इसके पास लेके आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जैसे दूर लेके आ रहे हो तो वैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, इस तरह से ये कम होती जा रही है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम इस तरह से हो रहा है, तो वो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो आपका फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, आपके इस सर्किट के अंदर, इस कॉइल के अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, और उस इंड्यूस करंट की वजह से आपका जो गैल्वेनोमीटर था वो क्या शो कर देगा, दैट विल शो द डिफ्लेक्शन। आई होप आपको फैराडेज़ लॉ समझ आया हो, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि हमने इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स और फैराडे लॉ कवर करना था इस वीडियो में। तो देखिए अब मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, अभी तक तो मैं आपको बता रही थी मैग्नेटिक फ्लक्स का सिर्फ फॉर्मूला बताया था, अब मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है बेटा, मैं आपको वो बता रही हूँ। देखिए बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में अगर हम बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको हम डिनोट करते हैं फाइव से, या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में भी कर रखा है फाइव, ठीक है। फर्क इतना था कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं और वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइव से डिनोट करना है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होते क्या है, सपोज करिए ये आपका क्या है, एक एरिया है, सरफेस एरिया है पूरा, इस सरफेस एरिया से यहाँ से क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ रही है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये आपका एक सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया से क्या जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और अगर मैं ये वाले सरफेस एरिया को कुछ इस तरह से बना दूं, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, कुछ इस तरह से बना दूं सरफेस एरिया को, तो मुझे एक चीज बताइए, किस केस में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो पेनिट्रेट कर जाएंगी, पास कर जाएंगे मैक्सिमम, इस केस में या इस केस में, जरा सोचिए, आई एम पॉजिंग माय सेल्फ, चलिए मैं बताती हूँ आपको, आपके पास ये जो आपको ये एरिया है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है, ऐसे ऐसे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जा रही है, ठीक है, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया में से पास आउट हो जाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बनना है एरिया के, ये एरिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया सरफेस एरिया हमेशा कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब एक दूसरे, एरिया जो है सरफेस एरिया हमेशा नॉर्मल जाता है, अगर ये एरिया है तो ये नॉर्मल जाएगा इस डायरेक्शन में, फिर भी इस मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा, जीरो हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब मैंने क्या कर दिया, इसी एरिया को कुछ इस तरह से रख दिया, इट मीन्स इसके अंदर से हार्डली वन या टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास होंगी, है ना, बाकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होंगी, इजीली पेनिट्रेट कर जाएंगी, ठीक है, और यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और क्या कहते हैं जो आपका नॉर्मल बन रहा है एरिया का वो कितना है, परपेंडिकुलर है इसके साथ, तो बी और ए के बीच में नया निकलेगा, एंगल बन जाएगा, बहुत ही गलत चीज होगी। अब हमारा फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स क्या होते हैं, उसके अंदर क्या है, ये वो प्रॉपर्टी है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, कि जब आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स
किस सरफेस एरिया में से पास आउट होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका फ्लक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसका फ्लक्स। तो फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और आपने ये देखा भी होगा कि जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट होता है तो जो आपको थर्ड क्वांटिटी मिलती है दैट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। क्या मिलती है उसको, क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटी। गर्मी बहुत है, इतना स्वेटिंग हो रही है, चलिए कोई बात नहीं, बी डॉट ए। और यहाँ पर क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट के साथ आपको पता है हमेशा कौन सा वो आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, वो आती है आपकी बेटा कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू फाइव। और ये कैसी क्वांटिटी है, दैट इज नोन एज योर स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और अगर इसकी यूनिट देखें तो यूनिट क्या होती है आपकी बेटा, दैट इज नोन एज, ऐसा यूनिट होती है इसकी, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला एरिया मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, क्या होती है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। या फिर हम इसको और बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू वेबर, वेबर इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, डब्ल्यू बी, ठीक है। आप दोनों चीज बोल सकते हो, आइदर इट इज नोन एज टेस्ला पर टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू वेबर, इट इज इक्वल टू वेबर। गॉट इट, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आएगा फ्लक्स, ठीक है। इट मीन्स अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करता है तो फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एरिया के साथ भी ऐसा है, अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा, अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो आई होप आपको फ्लक्स के बारे में समझ आया हो, यानी कि जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे उस यूनिट सरफेस एरिया में से उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। चलिए अब हम चलते हैं हमने फैराडेज लॉ की तरफ, कि फैराडे ने क्या लॉ दिया था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैराडेज लॉ, क्योंकि इसके बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज नोन एज योर फैराडे लॉ, क्या आता है आपका फैराडेज लॉ। अब फैराडेज लॉ में क्या होता है, जब फैराडे ने बताया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो आपका फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग बताया था, ठीक है। तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वो हमें क्या देता है, दैट इज नोन बाय इट्स ईएमएफ, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो कैसे क्या बोला, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, rate of flux is called induced EMF, ठीक है। तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग यही था कि induced EMF किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें E इज इक्वल टू, इट मीन्स माइनस ऑफ डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब यह है कि स्मॉलर चेंज ऑफ डेल्टा बाय डेल्टा, डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। और अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, फोर एन नंबर ऑफ, ये तो एक नंबर ऑफ टर्म्स के बाद, फोर एन नंबर ऑफ टर्म्स, एन नंबर ऑफ टर्म्स में क्या है बेटा आपके पास, ई इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी, ये आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज फॉर द एन नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में आपको पता होगा इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नॉन फॉर इट्स एवरेज, ठीक है। एवरेज को आप डिनोट करते हैं इस सिंबल से, एवरेज को इस सिंबल से, ठीक है, एवरेज ईएमएफ बोल सकते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पर करेंगे क्या बेटा, सबसे पहले आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, डिफरेंशियल में कन्वर्ट करना है। और मैंने आपको 11th क्लास की वीडियो में भी है आई थिंक सो ये, ठीक है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि जब भी आपको इस डेल्टा को डी में कन्वर्ट करना होता है तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इंस्टेंटेनियस के लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, लिमिट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। जैसे ही आप लिमिट लेंगे ये जो एवरेज ईएमएफ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो ई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एन जो डेल्टा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज डी फाइव बाय डीटी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डी फाइव बाय डीटी। सो दिस इज नोन एज योर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, क्या बोलेंगे इसको, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बोलेंगे। और अगर आपने क्या निकालना है, इसका करंट निकालना है, तो कभी बाई चांस मान लो आपको न्यूमेरिकल में करंट निकालने के लिए बोलते हैं,
तो करंट के केस में आप क्या बोलोगे, आई इज इक्वल टू बी बाई आर होता है, लेकिन मैक्सिमम करंट में बी को हम क्या बोलते हैं, ई के को बोलते हैं, ठीक है। टर्मिनल पीपीडी के केस में मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 3 में। तो ई कितना है आपके पास, ये है माइनस एन आर के नीचे आ जाएगा डी फाई बाई डी के। तो ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज नोन एज योर इंड्यूस्ड करंट, इंस्टेंटेनियस करंट भी बोल सकते हो आप। सो दैट इज नोन एज योर व्हाट, दैट इज नोन एज योर फैराडेज लॉ। सो इसके बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका जो ये वाला फॉर्मूला है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखिएगा। सो इसी के साथ आई एम लिविंग माई वीडियो, ठीक है। और साथ में मैं सिर्फ और सिर्फ लास्ट में ये बोलना चाहूँगी कि जितने बच्चे हमारी फैमिली के साथ जुड़े हैं, मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच बेटा कि आप लोगों ने इतने प्यार दिया, इतने ब्लेसिंग्स दी हमें, आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से हम अपनी वीडियोज़ को आगे ग्रो कर रहे हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, दिस वीडियो इज़ नॉट हैविंग एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब चीज़ें। प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ आई वॉन्ट कि ये वीडियो जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए, जो बच्चे नहीं कर सकते अपनी तैयारी बोर्ड की या फिर अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, तो ये उन बच्चों के लिए सबसे मैक्सिमम आई एम गिविंग दिस वीडियोस। तो प्लीज़ जितना हो सके आप उन बच्चों तक पहुँचाइए, और प्लीज़ एक सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, दैट इज़ अ रेड आइकन सब्सक्राइब का, ठीक है। बहुत सुंदर सा आइकन है, बहुत प्यारा है, ठीक है। तो प्लीज़ आप उसे प्रेस करिए, बेल का आइकन प्रेस करिए, ताकि आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इसी के साथ आई एम सेइंग सेफ रहिए घर पर और पढ़ते रहिए। थैंक यू।